सरकार है टकटकी लगाए हुए सभी बैठे हुए हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो गया है और अब वोटों की गिनती होनी है। समय बहुत कम बचा है, कुछ ही वक्त बचा है, लेकिन हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि न्यूज 18 राजस्थान पर दिन भर आपको दिखाएंगे पल पल की अपडेट और हर अपडेट से हम आपको रूबरू करवाएंगे। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, न्यूज 18 राजस्थान दिन भर आप देखते रहिए। और लोकसभा चुनाव 2024 में देश के कुल 542 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव 2024 अंजाम तक पहुंचने वाला है और आज वोटों की गिनती से पहले तैयारियां पूरी की गई हैं। 8 बजे का वो वक्त होगा जब काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। रुझान आने उसके ठीक बाद, माना जा सकता है कि आधे घंटे के बाद पहला रुझान मिल सकता है। 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 80 दिन की प्रक्रिया के बाद 51 पार्टियों के 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। और आपको याद ही होगा कि 7 चरणों में मतदान हुआ और देश की जनता ने अपना जनमत दे दिया है। बस इंतजार है उस जनमत के बाहर आने का और वो जनमत क्या होगा वो हम आपको दिखाएंगे पल पल की अपडेट के साथ, आपको बताएंगे पहले रुझान से लेकर के अंतिम परिणाम तक सबसे तेज। और आपको ये भी बता दें कि 543 सीटों पर मतदान हुआ था और उसके बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ ये हो जाएगा कि देश के सिंहासन पर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, कौन सत्ता पर काबिज होगा। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। हालांकि एग्जिट पोल्स ने एक बार फिर मोदी सरकार की वापसी का अनुमान जताया है। चुनाव आयोग सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती तो आ जाएंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे और लोकसभा के 543 या यूं कहें कि 542 सीटों के नतीजे इस तरीके से आएंगे। वैसे कहा यह भी जा सकता है क्योंकि टेक्निकली तो 543 लोकसभा सीटें हैं लेकिन चुनाव चूंकि 542 लोकसभा सीट पे वो एक उम्मीदवार के देहांत के कारण ये चुनाव नहीं हो पाए, लेकिन इस वजह से अब ये कहा जा सकता है कि आज देश की अगली सरकार कौन होगी, किस गठबंधन की होगी, किस पार्टी की होगी, ये बहुत जल्द सामने आ जाएगा। 8 बजे मतगणना शुरू होगी और उसको लेकर न सिर्फ चुनाव आयोग ने बल्कि आपके पसंदीदा प्रदेश के नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान ने भी अपनी पूरी बड़ी टीम के साथ सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे सटीक तरीके से हाईटेक टेक्नोलॉजी अलग अलग स्टूडियोज के जरिए, स्टूडियो से लेकर ग्राउंड तक हमारे रिपोर्टर्स, हमारे एंकर्स, हमारी पूरी न्यूज रूम की टीम तैनात है, ग्राफिक्स की टीम तैनात है और आप तक पल पल की जानकारी इस तरीके से पहुंचाएगी कि आपको कहीं और जाने का मन नहीं करेगा, ना ही आपको जाने की जरूरत पड़ेगी। तो मतगणना के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और आपको यह भी बता दें कि ना सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान टेलीविजन पर बल्कि सोशल मीडिया पर भी हर अपडेट आपको न्यूज 18 के पेज पर मिलेगी और वहां पर भी हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे, बताएंगे कि रिजल्ट क्या आने वाला है। और देश के साथ साथ निगाहें राजस्थान पर भी होगी क्योंकि राजस्थान की चर्चा और राजस्थान के नतीजे क्या होंगे ये सब आप बहुत बेसब्री के साथ जानना चाहेंगे। राजस्थान की 25 सीटों पर तो विशेष चर्चा होगी, विशेष नजर रहेगी, हर एक चक्र में, हर एक राउंड में कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे रह गया है, रुझान क्या आ रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है वहां पर, कितना वक्त बाकी है काउंटिंग होने में, कौन कितने मतों से किससे आगे पीछे चल रहा है, क्या समीकरण बन रहे हैं, किसकी बैठकों के सिलसिले शुरू हो चुके हैं, कौन खुश नजर आ रहा है, किसके यहाँ मिठाइयां बटनी शुरू हो गई हैं, पटाखे और आतिशबाजी फोड़ने शुरू हो गए हैं। ये सारी तस्वीरें, ये सारी जानकारी, ये सारी खबर जयपुर से लेकर जोधपुर तक, जोधपुर से लेकर जैसलमेर तक और जैसलमेर से लेकर राजधानी दिल्ली तक और कन्याकुमारी तक और जम्मू कश्मीर तक, अरुणाचल प्रदेश से भुज तक, गुजरात तक, हर राज्य की तस्वीर, हर राज्य की खबर आप तक पहुंचाएंगे। बात अगर 25 सीटों की करें तो जोधपुर नागौर में दो दो काउंटिंग सेंटर बनाएंगे। बिल्कुल, और राजस्थान की 25 सीटों पर भी आज रिजल्ट और टॉक सवाई माधोपुर का सबसे पहले परिणाम आएगा, राजसमंद सीट का सबसे लास्ट में परिणाम आएगा। 4 सीटों पर दो दो काउंटिंग सेंटर बनाए गए। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले
सबसे तेज नतीजे हम आपको दिखाने जा रहे हैं। शुरुआत हो चुकी है, आप लगातार बने रहिए। और जैसे कि जिक्र हम रविंद्र कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पेज पर भी अगर आपने लाइक नहीं किया हमारे फेसबुक यूट्यूब को तो लाइक कर लें, बेल आइकन दबा लें, क्योंकि वहां पर भी आपको परिणाम अपडेट मिलते रहेंगे। टीवी स्क्रीन पर बिग फाइट, बड़ा मुकाबला, कड़ा मुकाबला किनके बीच, आपने देखा बीकानेर का हाल, राजस्थान के चुरू लोकसभा सीट, देवेंद्र झाझड़िया बीजेपी के, क्या होगा देवेंद्र झाझड़िया की राजनीतिक किस्मत का फैसला, और राहुल कस्वा बीजेपी से कांग्रेस में आए तो क्या इससे पहले दो बार अगर जनता ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव जिताया है इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जिताएंगे, अगली बिग फाइट। और सीकर शेखावाटी बड़ा दिलचस्प है, और दिलचस्प इसलिए क्योंकि सीकर से सुमेधानंद सरस्वती एक बार फिर से बीजेपी के सिंबल पर चुनावी मैदान में, जो मौजूदा सांसद और उनके सामने सीपीएम के अमरा राम कभी सांसद का चुनाव नहीं जीते, विधायक जरूर रहे हैं, ये पहला मौका होगा, क्या अमरा राम बाजी मार पाएंगे। साथ ही साथ देखिए अगर आप जयपुर की बात करें, जयपुर शहर में प्रताप सिंह खाचरियावास और मंजू शर्मा बीजेपी के प्रत्याशी, इनके बीच में कड़ी फाइट, बिग फाइट, इस पर भी हमारी नजर सबसे पहले। और ये सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक अलवर, जहां का हाल हम आपको बताएंगे, काउंटिंग सेंटर से सीधे भूपेंद्र यादव और ललित यादव के बीच में सीधी टक्कर, क्या होगा फैसला दोस्तों। बिल्कुल, मैं अलवर पे एक चीज और बताना चाहूंगा, चूंकि हमने एग्जिट पोल जब दिखाया था न्यूज 18 के जरिए, तो दो सीटें, एक अलवर और एक कोटा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सीटें हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर फाइट होनी है। आइए चलिए दौसा की बात करते हैं, ये भी कम नहीं, और दौसा में देखिए कन्हैयालाल मीणा और साथ ही साथ टक्कर है मुरैलाल मीणा कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है, और इन दोनों के बीच की टक्कर को लेकर के कई तरह के कयास भी है। और सबसे बड़ी बात तो रविंद्र यह है कि ये जो सात सीटें जिनका जिक्र डॉक्टर किरणलाल मीणा कर रहे हैं उनमें से दौसा भी एक है, और उन्होंने कह दिया कि अगर इनमें से कोई भी आ रहा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और पानी पिलाऊंगा, और कल दोहरा दी है इस बात को, कल किरोड़ीलाल मीणा ने दोहरा दिया है, और कल तो वो बाकायदा प्याऊ लगाकर गर्मी में लोगों को पानी पिला रहे थे। अजमेर देखते हैं, अजमेर जी, अजमेर भागीरथ चौधरी और रामचंद्र चौधरी, ये भी एक तरह से कहा तो यही जा रहा था कि बहुत तगड़ी फाइट नहीं, लेकिन चूंकि चुनावों में कोई भी मुकाबला हल्के में नहीं लिया जा सकता, नागौर देखिए बहुत ही बेहद ही दिलचस्प मुकाबला, मारवाड़ की सबसे चर्चित सीटों में से एक है नागौर, ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल के बीच मुकाबला, चेहरे वही हैं और इस बार चेहरों का दल बदल गया है, दोनों को अदला बदली कर लीजिए। ज्योति मिर्धा पहले कांग्रेस में थी और अब बीजेपी के सिंबल पर इस बार सांसद के चुनाव के लिए मैदान में, आरएलपी पहले एनडीए के साथ थी और इस बार हनुमान बेनीवाल का बिल्कुल दल नहीं बदला, हनुमान बेनीवाल का दिल बदल गया और उन्हें दिल बदल धड़ा भी गठबंधन बदल लिया, धड़ा भी बदल गया बिल्कुल। बाड़मेर में ये दो चेहरे देखे, इनकी किस्मत का फैसला कैसे होता है, लेकिन आप सोच रहे तीसरा चेहरा इसमें कहां है, क्या तीसरा चेहरा इन दोनों का खेल खराब कर देगा, रविंद्र भाटी की ही भी हम बात कर रहे हैं, जालौर सिरोही, ये भी वीआईपी सीट, बिग फाइट है ये जालौर सिरोही में, बिल्कुल पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत मैदान में, उनके साथ में बिल्कुल सामान्य कार्यकर्ता माने जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लुम्बाराम चौधरी चुनावी मैदान में, तो दोनों के बीच में भी कड़ी टक्कर। जी हाँ, जोधपुर में पिछली बार का चुनाव लड़ा था और इस बार जो है यहाँ पर आ गए हैं, अब आ गया देखिए ये रविंद्र, ये बताइए ये ऊंट लेकर जा रहा है श्री गंगानगर का हाल, जहाँ पर नियालचंद मेघवाल 8,97,177 वोट पिछली दफा, हाँ ये क्या दोहरा पाएंगे इस बार बीजेपी इस नतीजे को, अर्जुन राम मेघवाल की जीत का आप मार्जिन देखिए, अभी देखिए 2019 का ऊंट तो किस करवट बैठा है, किस